आके बिराजे हन सारे। पंचामृत सोदयो बरताए, पंचामृत कड़ा प्रसाद जो देग करवाई है बहुत वड्डी मात्रा च, ये कोई सधारण गल नहीं सी जो गुरु मर्यादा बनी। कड़ा प्रसाद वरताना भावें कोई जमया है भावें कोई मरिया है, हर गल ते जदों भी दीवान सजना कड़ा प्रसाद बना, मौत हुई होवे भावें नौजवान, उते भी मिठा वरताना कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद एक मिठाई भी है। तो इस तरह साध संगत जी लोग हैरान होंदे, ये गुरु ने कैसी मर्यादा तोरी है। भावें कोई मौत हो जाए गमी का प्रोग्राम होवे, उते भी मिठा वरताउंदे ने, कड़ा प्रसाद ही वरताउंदे ने। तो कड़ा प्रसाद इस गल का सूचक है कि गुरु के सिख लई जम्मण मरना बराबर ही है। विआह का समागम होवे भावें वह दशहरे का भोग का समागम होवे, हरख ते सोग एक समान है, एक बराबर है। सब सुनाए श्री बदन अलाए, सारे सुना के श्री सतगुरु महाराज जी ने ये बचन किया, करह कामना जो सिख आवे, भाई जेड़ा भी सिख कामना धार के आवेगा इथे, करह तिहावल इत अर पावे, इते आके कड़ा प्रसाद अरपेगा, अरदास करावेगा। श्रद्धा सहित दर्श को पाए, श्रद्धा भावना धार के जरा दर्शन करेगा। मन बाछत पुरब है समुदाय, मन बाछत ओदे हिरदे दियां जेड़ियां मुरादां पूरियां होणगियां। नीम तरोवर होए बिलंद, इते निम दा दरखत बड़ा उच्चा बड़ा वड्डा होवेगा। श्री गुर दित्ते दर्श मनिंद, बाबा गुरदित्ता जी दी यादगार होवेगी, निशानी होवेगी। बाबा जी दे हथ दी छड़ी है ना, ओदे तो ये रुख बनिया है, इन्हां दी यादगार होवेगी। कर है बंदना देख है नैन, इस करके संगत आवेगी, नमस्कार करेगी, बंदना करेगी, दर्शन करेगी। सकल कामना प्राप्त ऐन, सारियां ही कामनावां प्राप्त होणगियां इथों। नित प्रत इहां तिहावल आए, इते निता प्रति कड़ा प्रसादियां देगां सजणगियां। तृप्त है सिख संगत सब खाए, इस तरह सारी संगत आके गुरु के लंगर कड़ा प्रसाद छके। देश विदेशी जो चल आवे, देश विदेश, ते विदेश तो मतलब साध संगत की है भला, इते विदेश तो मतलब पंजाब तो बाहर ली सारी धरती ली। साध संगत जी इते विदेश तो मतलब जेड़ा अजकल दा ये यूपी दा जो पुराने जमाने दे विच अवध दा इलाका मन्निया जांदा है, ब्रिज दा इलाका है सारा अड अड, या बिहार है, बंगाल है, आसाम तक, फिर उधरों काबल कंधार वगैरह, राजपूताना, कश्मीर, इनू विदेश ही मनिया गया है। जिते इन्हों का जिक्र आएगा इन्हों विदेश करके लिखा होया मनिया जाएगा। पुरातन जिन्ने ग्रंथ ने उहदे विच जदों अपने देश की गल आएगी तो उहदे तो मुराद होगी पंजाब की। तो जो बाकी थावां दा जिक्र आउंदा है ते उहनूं विदेश करके ही लिखिया गया है। इस थाल ते सो तिहावल खावे, ओह इथों आके फिर संगतां प्रसाद छकणगियां, आनंद पाउणगियां। पुन्न स्थान महान बने है, महान स्थान बनेगा इते यादगार दे रूप विच। दर्शन ते कलमल बिनसै है, दर्शन करन वालियां दे सारे जेड़े माड़े कर्म नाश होणगे, पाप नाश होणगे। सेवे और निर्मल बन जाए, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵੇਗਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਖਾ ਮਹਾ ਅੰਧੇਰੀ ਜੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਰਖਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ कहना भी इतने फलाने स्थान ते उते अरदास करते हैं साल बाद ते गड़े नहीं पैंदे पक्कियां फसलां दे, इस प्रकार दियां वार्ता आपां सुणदे हैं कि वर्खा होनी गड़े पैने हनेरी त्यादक जो वगणी औ तिहावल इस थाल होए। जो मर्जी हुंदा रवे ते कड़ा प्रशादी देग होवेगी जरूर, कदे नागा नहीं पवेगा। इत्यादक महिमा कह थान, इस तरह बड़ी भारी महिमा वड़ियाई दस के स्थान दी। उठत भए श्री गौर भगवान, श्री सतगुरु जी फिर पहाड़ी तो थले आ गए हन। अष्ट घाट 17 सह सम्मत। साध संगत जी एक तो जरूरी ये भी बेनती है कि जो आप मर्यादा पढ़ते हैं ना, मृतक की मर्यादा की है। मृतक की मर्यादा विच सब तो पहला कि जिमें कोई प्राणी चढ़ाई करता है ना, वो संबंध में वहम नहीं करना किसी ने भी मंजे तो थले लाना है, लागे काना रखना है, जो कुछ सब वहम भरम पखंड कुछ नहीं करना। साध संगत जी मृतक के लागे जे उते इंतजार करना होवे रिश्तेदारां दे परिवार दे आउण दा, तां उत्ते बह के रुदन करन दी मनाही है। उत्ते बह के नाम दा जप करिए, बाणी पढ़िए, यही कार्य करन वाला है कि बाणी पढ़िए। सुखमनी साहिब जी दा पाठ कर लो, भावें जपजी साहिब जी दे पाठ करी चलो, चौपाई साहिब जी दे करी चलो, मूल मंत्र जपी चलो, इस तरह करना चाहिए। फिर जदों इशनान करवा के शरीर का ते अरदास करके लै के तुरदे हाँ, रस्ते विच कोई मध्य मार्ग नहीं करन दी लोड़, कोई घड़ा भन्नन दी नहीं लोड़, कोई उहदा पासा बदलन दी नहीं लोड़ है। हासो हीणियां जिहियां गल्लां ने, वो जदों उहदा लॉजिक पढ़ीए ना कोई भी ये क्यों है, तो गरुड़ पुराण की मर्यादा है सारी। वो दसदे ने जिहड़ी आत्मा है ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੋਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੈ। ਗਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਕਰਨਾ, ਘੜਾ ਭੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੈ, भी वह खणी आत्मा नूं भुलेखा पाउणा है भी इधर इधरों चले सौना इनू चल चले हैं। तो मन च विचार आउंदी है भी हद हो गई है। वो जिहड़े जमदूत लैण आए ने, वो आत्मा उन्हां कोल छुट्टी जांदी, उन्हां दे काबू नहीं आउंदी। भला वो तां सतगुरां दी बाणी ने आखिआ जदों लैण आ गए ना, उन्हां कोलों छुट्टिआ नहीं जांदा। फिर साध संगत जी दो सिपाही आ जाण ना थाणे तों, वो कहिंदे ने भाई तेरे नां ते आ वरंट आया चल। उस तो बंदे कोलों नहीं भजया जाता, तो जो जेरे जम आउणगे लैण उन्हां कोलों आत्मा छुट के भज जाएगी। गुरमत ने नहीं मन्निया ये गल। गुरमत के अनुसार मृतक का इशनान करवाया, उन्हूं लै के तुर पे आ, ना कोई घड़ा भन्नना, ना कोई साध संगत जी धा मारनी है। नाम जप दे, सतनाम वाहिगुरू जप दे लै चलो, लिजा के चिखा ते शरीर लिटा के साध संगत जी फिर उत्थे अरदास करके ते झंडा दे देना है, अगन भेंट कर देना। जदों पूरी तरह चिखा मच पवे फिर सोहला साहिब जी का पाठ करना है, ते फिर गुरु घर जाने आ। साध संगत जी अज कल तां आपां की करदे आ भी गुरु घर गए, अलाणियां का पाठ होया, अरदास होई ते घरों घरी। पुरातन समय च मर्यादा ये नहीं सीगी। मर्यादा ये सी कि जदों प्राणी का संस्कार करना ते उस देनी संगत की हाजरी विच ही उत्ते सहज पाठ आरंभ हो जाना। गुरु घर दे विच जाके अलाणियां का पाठ करना, अरदास करनी, तो सहज पाठ उदों ही आरंभ कर देना। उहदा मकसद ये है हुण तकाला नूं लोकां ने आउणा है, हिरख करन वालियां, अफसोस करन वालियां ने। ते जदों वो आउण ये ना होवे भी सारा टब्बर रोई जावे, पिट्टी जावे, वो भी रोई जाण, रवाई जाण। उस वेले साध संगत जी सहज पाठ दा प्रवाह चल रहा होवे, ते जेड़े भी प्राणी हिरख करन आउण उन्हां नूं किहा जावे भी आओ भाई आपां रल के बह के बाणी सुणीए, तो बाणी सुणी जावे। ते गुरबाणी दे विच लगभग हर अंग ते महाराज ने सानू मौत याद करवाई हुई है। शुरू तो ही शुरू कर लीए ना, जपजी साहिब जी तो ही ते साध संगत जी जपजी साहब जी दे विच किन्नियां थावां ते मौत याद करवा दित्ती है सानू भला। सलोक ते सारे ही पढ़दे आ ना, ते उत्ते सानू चेते नहीं करवाया चंगिआइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, वो चेते नहीं करवाया भी तेरी मौत आउणी है ते वे कर्मां दा लेखा होना। नानक गया जापै जाए, चेता नहीं करवाया मौत दा। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, ये मौत दा चेता नहीं करवाया सानू। तो साध संगत जी हर अंग ते मौत का चेता करवाया होया है। तो जो फिर बह के परिवार बाणी सुनेगा तरवास आएगी मन नूं, रिश्तेदार आउणगे तरवास आएगी मन नूं, यह है सारी वार्ता। फिर नाल ये भी सी कि सलोक सहस्कृति ते साध संगत जी नाल जैसरी की वार दी कथा भी हुंदी, उहदे नाल होर भी ज़्यादा मन जिहड़ा वो बैराग वाले पासे तो टुट के ते भाणा मनन वाला आ जाता। इस तरह संस्कार वाले दिन तो सहज पाठ आरंभ हो जाता। भोग पैण तक परिवार बाणी नाल जुड़िया रहिंदा, सेवा च जुड़िया रहिंदा। जेड़े बाकी आउंदे उन्हां नूं भी बाणी नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा, ते भोग पैण तक जेड़ा है वो मन जेड़े ने वो ठंडे हो जाते, ते वाहिगुरु दे भाणे विच रजा विच राजी हो जाते। इस तरह रोण तो पिटण तो और दुनियादारी वाले जिहड़ी पीड़ा है, दुनियादारी वाला रोना है, उहदे तो साडा बचाव हो जाता सी। इह सी पुरातन मर्यादा। साध संगत जी आपां जिहड़ी असल मर्यादा गुरमत वाली उहदा चेता ही नहीं। सानू तां भौंचलीए पई हुंदी है, कईयां दी तां ड्यूटी है पक्की उहनां संभाली है भी काना मंगवाना है, घड़ा मंगवाना है, फिर दसना है पूरा इतों भाई तो रुक जाओ हूँ, घड़ा भन्नो, इतने एनू मूँह कर लो, हूँ धा मारो, उची उची रोवो, फिर आ किलियाँ कढो, फिर आ जेड़े फुल चुगने ने वखरे। गुरमत की मर्यादा है कि सारा अंगीठा कट्ठा करना। तो असी मनमत ते बड़ा ही जोर दिन्ने आ भाई, जे जोर देना तो गुरमत दे देना चाहिए, मनमत दे क्यों जोर दिने, पहरेदार बनते। वेखी दा ही ना समाज विच जेड़ा मनमत वाला होवे ना वो बड़ा जोर देगा, जेड़ा गुरमत की गल कवे ना ऐसे मौके दे माड़ा जिहा एक वारी कह के चुप कर जाता है। मनमत वाले अड़ जाते ने, वो करवा के ही हटते ने। इतों तक भी वेख्या कोई गुरमुख रब दा प्यारा नितनेमी पक्का, ते उन्हें सारी उम्र लोकां नूं गुरु की बाणी दा होका दे के हर थां ते कहना गुरु दी गल मन्निया करो, मर्यादा विच आओ, मनमत त्यागो। जदों शरीर त्याग के गया ना तो कोई एक दो इहो जे रिश्तेदार आंडी गवांडी टक्कर गए, उन्होंने उहदे संस्कार ते सारी मनमती करवाई। पिओ गुरमुख दी रूह भी वेंदी होएगी भी मेरे नाल चंगी कीती जे तुसां, मैं लोकां नूं मनमत तो डकदा सी, तुसां सारी कसर मेरे वरी कढ छड्डी जे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये साध संगत जी पाप है। तो यह है गुरमत की मर्यादा, जिहदे विच कोई वहम नहीं है, कोई किसी प्रकार की साध संगत जी ये जिहड़ी मनमत नहीं है। भाई साहब जी लिखते ने कि उस वेले जदों बाबा गुरदित्ता जी ने साध संगत जी शरीर त्यागया है ना, उस वेले अष्ट घाट 1700 संमत 1692 बिक्रमी 1692 जिहड़ी बिक्रमी बनदी सी, सो यह वो साल है जदों बाबा गुरदित्ता जी ने देह त्यागी। असू मास सुदी दसवीं थित, असू दा महीना सी ते सुदी दसवीं थिती सी उस दिन। असू सुदी दसवीं ते संमत 1692 ईस्वी। कर सब क्रिया गुरु चल आए। साध संगत जी 1645 ईस्वी दे विच इस तरह बाबा गुरदित्ता जी ने देह त्यागी है। सतगुरु जी सारी क्रिया करके हथी। श्री गुरदित्ता जोत समाए। बाबा गुरदित्ता जी सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। इस तरह गुरु का हुक्म मान के जोत विच जोत रल गई। गुर की गात किस जाए ना जाने। सतगुरां दी गात गुरु महाराज जी दी जो अवस्था है ना उन्होंने कोई जान नहीं सकता। बिस्मत मात सब तूषण ठाने। सतगुरु जी तूषण हन, कुछ भी बचन बिलास त्यादक नहीं करते। पीछे आए चली गन नारी। पीछे बहुत स्त्रियां भी चलिया आउंदियां। आद नानकी पुर जो मझारी। जिन्नियां भी करतारपुर नगर दे विच वस रहियां हन। अदक बिरलाप करत सो आवे। बीबियां कई विचारियां बहुत विरलाप कर रहियां। सिमर सिमर गुण कूक सुनावे। गुरु के पुत्र दे जो गुण ने उन्होंने चेते कर करके उची उची भी कई रोंदियां। होत शब्द बड़ करत पुकारा। चार चुफेरे बड़ी पुकार हो रही, रौला पै रहा सी। तरुण बैस पर लोक सिधारा। लोग कहंदे ने नौजवानी दी उम्र दे विच बाबा गुरदित्ता जी चढ़ाई कर गए। धीर मल ने जमात समेत। उधर धीर मल करतारपुर विच बैठा अपने माता जी माता अनंती जी दे समेत। अंत दर्शन आए नकेत। अनुसार संगत जी अगले दिन ही खबर पहुंच गई सी, पर वो आया नहीं। वो दर्शन का अंतम दर्शना की इच्छा नाल भी नहीं आया, ते ना ही साध संगत जी बाद विच आया। बिछोरे रहे सो जानी पर। ये साध संगत जी इस तरह विछड़े रहे सो जानी पर। मन दे विच जानिया कि ज्योंदे जी दा विछड़े ही होए सा दूर सा। नहीं मेल हम सो कब कतर। मेरे नाल तां मेल ही नहीं सी धारिया उन्होंने। इत्यादक बोलत चल आए। इस तरह बोलते होए करते होए माता जी माता अनंती जी दा चाहुंदे भी मैं उत्ते जावां, पर धीर मल नहीं चाहता। वधियो शोक सबके समुदाय। सबना दे विच बड़ा शोक वधिया, बड़ा दुख वधिया। गुर सुत लायक मरियो अचानक। गुरु के पुत्र अचानक ही ये भाणा वरता गए हन, दे ते आ गए हन। कहाँ भयो जाने श्री नानक। धन गुरु नानक साहब जी जानन भी ये की भाणा वरतिया है, की गल होई है। सदन पर वेछे सगरे आए। सारे अपने अपने घरी चले गए। इस तरह गल्लां करदे करदे आद नानकी मन दुख पाए। माता नानकी जी माता मां देवी जी ते आदक सबना ने बड़ा दुख पाया। त्रिऐ ते पूरन भे घर सारे। सारियां घरां दे विच हर कोई बड़े दुख विच है, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी नूं सारे बड़ा प्रेम करदे सन, सारे बड़ा भला चाहुंदे सन, क्योंकि बाबा जी सारियां दा भला चाहुंदे। सो इवें ही है ना संसार दी रीत है, जेड़ा साडा भला करेगा आपां भी उहदा ही भला चाहांगे। तो जेड़े अकिरत घण मनमुख हुंदे ने उहनां दे जीवन दा इह लक्षण है कि जिन्ने किसी ने साडा भला कीता होवे आपां उहदा भला नहीं चाहुंदे, पर जेड़े गुरमुख ने उहनां दा इह लक्षण नहीं है। गुरमुखां दा लक्षण इह है कि वो जेड़ा साडा बुरा करे उहदा भी बुरा नहीं लोचदे, इह गुरमुखां दा लक्षण। तो साध संगत जी विद्वाना ने श्री नानक प्रकाश विच भी कवि जी ने एक कथा च वर्णन किया भी तीन तरह के गुरमुख ने ते तीन तरह के ही मनमुख ने। जेड़े गुरमुख ने वो तीन तरह के ये ने। एक है गुरमुख के वो साध संगत जी सारियां दा भला लोचदा है, ते वो किसी नाल द्वैश नहीं रखता। जेड़ा उहदा भला करे वो उहदा भला करदा, जेड़ा उहदा भला ना करे उहदा भी बुरा नहीं सोचदा। एक है गुरमुख तर, वह सब का भला तो करता ही है, सब का भला सोचता ही है। जेड़े उहदा साध संगत जी बुरा चितवदे ने वह उन्हां दा भी भला ही चितवदा, भला ही करता है। ते एक है गुरमुख तम, सब तो उची अवस्था, जेड़ा उहनूं विस देण भी आ जाए उहदा भी भला ही सोचदा, जेड़ा उहदा कातल भी होवे उहदा भी भला ही सोचदा। उच्ची अवस्था भाई कन्हैया जी ओदी उदाहरण ने, दुश्मनों नूं भी पानी पियाउणा। तो तीन तरह दे मनमुख। एक है मनमुख, ओदे बाबत कहिंदे ने भी ये किसी का भी भला नहीं चितवदा, जेड़ा कोई ओदे नाल भला करदा है ओदे कीते भले नूं भुल जांदा। एक है मनमुख तर। मनमुख तर दा हाल यह है वो किसी का भला तो उन्हें चितवना ही नहीं है, ये तो गल परे रही। बल्कि साध संगत जी जेड़ा ओदे नाल बुरा करे ओदा तां उन्हें दुश्मन बनना ही है, जेड़ा ओदा भला भी करे ना वो ओदा भी भला नहीं करता, ओदी भी कदर नहीं पाउंदा। ते कह मनमुख तम ओदी हालत यह है भी जेड़ा ओदा भला करन जावे वो सब तो पहला उसे दा ही बुरा करदा, बिच्छू वांगू डांगी ओदे मारदा जेड़ा उहनूं पानी चों कढे। तो जेड़ा ओदा भला करन जावे ओदे ही पहला डंग मारदा। कई सज्जन दुखड़ा रोंदे, कई बार वारता होंदी है ना भाई एक दूजे की मदद करनी चाहिए है। सो जिस प्रकार विदेशों के विच ये गल सुनते हाँ भी अमरीका दे विच ना लगभग 50% जिहड़ी होटल इंडस्ट्री है वह कल्ले गुजरातियां दे कोल है कि वह किवें इन्हां दे कोल चली गई। वह कहिंदे वह एक दूजे की मदद करते हैं, जिहड़ा नवां बंदा जावे उन्हों पैसे इकट्ठे करके फंड दिंदे ने, उहदा काम चला दिंदे ने, फिर वह हौली हौली किश्तां दे विच पैसे मोड़ दिंदा ते इस तरह एक दूजे का वह करदे। ते कहन लगे भी पंजाब दे अपने सज्जन इदां नहीं करदे। वह सज्जन जी दसन लगे वह कहिंदे भी करदे ने पर उहदा नतीजा बड़ा माड़ा निकलदा है। कि की वो सज्जन ने हड्ड बीती दसी, कहन लगा भी मैं किसी नूं लै के गया विदेश अपने यतनां दे नाल, उहनूं लिजा के काम ते भी अपने नाल लवाया, वो कहिंदे उस बंदे ने मैनूं कम्मों कढाता, नाले मेरी बदनामी करती चार चफेरे। वो कहन लगा मैं कन्नां नूं हथ लाए भी अपने किसी बंदे दी मदद नहीं करनी। किरत घणता इहनूं कहीदा। साडा जिन्हें भला किया उहदे विच कोई अवगुण भी होणगे। कोई बंदा हो सकता संसार दे जिहदे च कोई अवगुण ना होवे। जे कोई ऐसा लभ गया ना जिहदे च अवगुण नहीं हैगे, समझ लो परमेश्वर दा अवरूप ही हो गया है, कोई एकमिक हो गया उहदे नाल। सब विच अवगुण ने, पर जिन्हें साडे नाल भला कीता है भाई उहदे कुछ अवगुण इग्नोर भी कर देने चाहिए। गुण याद रखिए, अवगुण क्यों सामने लियाने ने। तो कृतज्ञ होना चाहिए, अकिरत घण नहीं बनना चाहिए। अकिरत घणता ही साध संगत जी सब तो माड़ी है। मनमुख तम सब तो वड्डा अकिरत घण हुंदा है। जेड़ा उहनूं बाहों पकड़ के उपर चढ़ावे, उपर चढ़दे पहला उहनूं धक्का मारदा भी पहला तूं दे थल्ले जा। हाँ, यह है मनमुख तम। आपां अपने विच अंदर झाती मारनी है, मेरिया मना तू कित्थे के खलोता, तू गुरमुख तम नहीं बन सकदा, तू गुरमुख तर बनने की कोशिश कर, तू गुरमुख तां बन। ते जे गुरमुख भी नहीं बनिया जांदा ते फिर मनमुख बन तो बचा तां कर घट्टो घट। मनमुख तम ना बन, मनमुख तर ना बन। कुछ कुछ तां थोड़ा जिहा अपने आप नूं कहिए मना, कुछ तां गुरु की बाणी दा भै भाव करके अपने आप नूं थोड़ा जिहा तां गुरमुखताई वल लै के आ। सो खालसा जी ये तो मनमुखताई है सामने है। वो जेडे गुरमुख ने वह गुण याद करते हैं, जेडे मनमुख ने ना वो कोई गुलाब का फुल भेटा करे ना तो उन्होंने पता की कहता, ये मैनू कंडे दे के गया। वह कहते भाई उत्ते गुलाब वेख, वो कहता वो तो आ लाल जे चार जेडे पंखड़ियां लगियां ने ये झड़ जांदियां ने, थले वेख कंडे ने। साध संगत जी उन्होंने फुल नहीं दीदा, उन्होंने कंडे ही दीदे ने। भाई संतोख सिंह जी वर्गे गुरमुख एडे वड्डे ग्रंथ लिख दिते। अंदाजा कर सकते हैं भी एडा वड्डा किसी ग्रंथ लिखिया होवे ते उहदे गलती होवे ही कोई ना, ये तो नहीं हो सकता। ये तो मनना पएगा भी कुछ ना कुछ गलती तो रह ही जाती है। साध संगत जी असी फुल नहीं वेखिया। जेडे मनमुख तम बने पे ने ना साडे विच्चों ही साडे भरा, उन्होंने भाई संतोख सिंह जी के ग्रंथ के भी कंडे ही वेखे, फुल वाल निगाह ही नहीं पाई। तो फुल वाल वेखना चाहिए, कंडे कानूं वेखने ने। आपां महाराज जी ने उदाहरण दे के कहा भी गां दे थण दे लागे चिचड़ लगा होया सी, गां दे थण दे लागे उन्हें सारी उम्र उत्ते लंघा लई ते सारी उम्र लहू पींदा रहा, उन्हें दुध कदे पी के ही नहीं वेख्या। उन्होंने जदों किसी ने कहा ना भी उहदे दुध भी सी, वह कहता मैनू तो नहीं दसिया, मैनू तो नहीं दसिया। वाकई तेनों नहीं दसिया, तेनों दसना भी नहीं सी, तेरे भागां 'च ही नहीं सी। इस करके खालसा जी जिहड़ा धीर मल है ना ये मनमुख करता वाहिगुरू कीरतपुर नगर के जिहड़े सारे सेवक गुरमुख हैं आपो अपनी दृष्टि तो वेखदे ने। गुजरियो अचरज रुदत पुकारे। इस तरह बहुत लोग बैराग करदे। धीरमल कहंदा है कि मेरे नाल किहड़ा कूंदे बोलदे सन, मैनूं ते उन्हां ने परे कीता होया सी। लंबे कूंदे तेरे नाल तां नहीं सी, गल ओही है मुर्दा बोलू ते खफन पाड़ू। ओए तू लेख लेख के चिट्ठियां मुगल बादशाह नूं कहंदा सी भी मेरा दादा गलत है, मेरा प्यो गलत है, मैनू गुरु बना दिओ, मैं तुहाडे आखे लग के चलांगा। तैनू गुरु हरगोबिंद साहिब ते भरोसा नहीं, तैनू गुरबाणी ते भरोसा नहीं, गुरमत दी किसे मर्यादा ते दृढ़ता ही नहीं, ते तेरे नाल बोल के की लैण। मनमुख नाल बोलण नूं मन ही नहीं करदा। उहने जदों गल करनी है उहने निराशावादी करनी, नीवीं गल ही करनी, पुठी गल ही करनी। पॉजिटिविटी है ही नहीं उहदे अंदर, नैगेटिविटी ना भरिया ही पिया है। तां ही तां महाराज जी कहंदे ने संत मिलै किछ सुनिए कहिए मिलै असंत मश्ट कर रही है। मश्टदार ते चुप रही है, जिहड़ा असंत है ना उहदे नाल तां भाई गल ही नहीं करन दा फायदा। वो साधु रब का प्यारा होवे, कोई नेक बोल बोलन वाला, ओदे नाल वार्ता करनी चाहिदी। दोहरा कीरतपुर की नार सब मिली आन समुदाय। कीरतपुर दियां सारियां इस्त्रियां फिर गुरु घर विच आके शामां नूं बैठियां। मिल मिल रोदत शब्द को ऊचे रौर उठाए। साध संगत जी ओ बाबा गुरदित्ता जी दे गुण याद कर दियां। तो किन्ना भी समाज नूं हटाउण दा यतन करो, वो दो चार बीबियां हुंदियां ही ने उची उची रोण लगी पैंदियां ने। इस तरह सतगुरु जी महाराज जी किरपा करन, बड़ा फर्क पै गया साडे समाज विच, बहुत ज़्यादा फर्क पै गया। हुण कोई उदां मकाना बन के जाण वाले रिवाज नहीं नज़र आउंदे, कित्ते ही है नज़र आउंदा होएगा। हुण कोई वैण पा पा के उची उची बिना वजह रोना पिटना ओ नहीं। हाँ, कोई जदों वाहिगुरु बख्श लवे, कोई नौजवान जदों कोई तुर जाए तो रोना आ ही जाता। पर साध संगत जी बजुर्ग है, सारी उम्र भोग के गया है, तो किसी के मन दे विच रोना नहीं है, पर एक दूजे नूं वेखा वेखी उची उची सारे रोई जाते हैं। ये की पखंड होया भला। हाँ, जिते किते कोई बहुती सट वज गई आ जाता रोना, ओहदी महाराज जी ने मनाही नहीं कीती होई। वो बैराग है, वो सट लगी है, पीड़ता होगी, पर जिहड़ा पखंड दा रोना है ना इनू सतगुरां ने वरजिया होया। चौपई पुरजन सगरे गुर टेग आए। इस तरह साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हजूर जिन्हें भी नगर दे लोग ने सारे चल के आए। बैठे सभा बेलंद लगाए। बड़ी सभा लगी, बहुत वड्डा पंडाल सजिया है, सभा लगी है, संगत आई है। अचरज भयो अचानक एह। कहंदे ने अचरज ही गल हो गई है, अचानक ही ये काम हो गया। वाहिगुरु बख्श लवे, अचानक ही होया है ना जेड़ा ओहो ही चंगा जे। ते जेड़ा कोई बेचारा सालां तो मंजे ते पिया होवे तो फिर वेखे ना कई परिवार, वो फिर निहंगा सिंघां कोल जाके रस्त लै जांदे ने, बाबा जी अरदास कर दिओ सच्चे पातशाह जी एक बन्ने ला देण। उहदा मतलब हुण एक बन्ने दा आपां नूं पता ही है भी की हुंदा। उहदा मतलब ये नहीं हुंदा भी हुण बापू उठ के बह जाओ, उहदा मतलब इहो ही हुंदा भी हुण महाराज जी चरनां 'च निवास दिओ। इस करके ना अचानक वाली गल ही चंगी जे। सो जेड़ा लम्मा समा ना बंदे नूं उड़ीक करनी पैंदी है, जदों जदों नूं हत्थ जोड़ के कहना पैंदा भी महाराज हुण करो किरपा लै जाओ, वो दुखदाई है, वो औखा है। दसम पातशाह महाराज जी ने बाणी विच इह गल दा कई वार वर्णन कीता। आपां बचन पढ़दे ना, दे शिवा बर मोह है एह सुभ कर्म अंते कबहू न टरो, न डरो अर सो जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो। ते महाराज जी अगे की कहंदे ने, जब आव की औद निदान बने। आव की औद, आव दा अर्थ है उम्र, औद अखीरला समा। जदों निदान बने, अखीर आ जाए, जदों जिंदगी मुक्कण ते लगे सच्चे पातशाह जी कहते जब आव की याद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। ये है मुराद, अत ही रण में तब जूझ मरो, जूझ के शहीद होना है। फिर आप बचन पढ़ते हैं, हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अब है बिनती सुन लीजै। इस बचन दे विच भी महाराज जी ने आख्या है और ना मांगत हों तुम ते कछ चाहत हों चित मैं सोई दीजै। शस्त्रन स्यों अत ही रण भीतर जूझ मरो तो साच पतीजै। आखिरी वक्त होवे ते मैं जूझ के शस्त्रां दे नाल शहीदी पावां, ये इच्छा है योधियां दी, सूरमियां दी। साध संगत जी इस प्रकार दे नाल वो कहंदे अचानक ही ये भाणा वरत गया। महाराज जी भरोसा दिंदे इन्हां नूं, तरवास दिंदे ने, भाई ये अचानक ही वरतदा है। मैं जानी ए मतन ताज देह। ओ एवें नहीं सी सतगुरु जी जानिया जांदा भी तन दे त्याग देणगे। तरुण बैस बहु मृदुल सुभाओ। तरुण बैस नौजवानी दी उम्र ते बड़ा ही मृदुल, बड़ा ही मिठा सुभाओ। सुखद सबन दुख दाए ना काओ। कदी किसे नूं दुख नहीं दिता, सदा सुख ही दिता। जिन्हें किसी ने बेनती की बाबा जी आर्थिक तंगी है, वो माया भी दे दी। जेड़ा कोई साध संगत जी कोई होर दुख तो पीड़ित है वो दुख दूर किते, सारियां नाल मिठे बोल बोले, सारियां नूं ढैंदी कला तो चढ़दी कला वाल लियाउणा, ये बाबा गुरदित्ता जी दा काम रहा सारा जीवन। सादरपुर मह लोक बसाए। सारियां नूं आदर दिता, जेड़ा कोई मजदूर तो लैके मिस्त्री तो लैके जेड़ा भी कोई नगर दे विच किरत करन वाला सी ना, जदों नगर उसारिया सारियां नूं आदर ते सन्मान दिता बाबा जी ने। बूझत कुशल सदा अपनाए। सारियां दा ही हाल पुछदे सन ते कला हाल ही नहीं सन पुछदे। हाल तां आपां भी पुछ लैने ना दुनियादार बंदे, ते जे सामने वाला कह दे भी बड़ी तंगी है ते उदों ही पछाण नूं मूँह कर लैने आ भी भरावा मैं ते कोई तंगी पुछण थोड़ा आया सां। पर बाबा गुरदित्ता जी वर्गे महापुरख जेड़ा कोई दसदा ना बाबा जी मैनूं आ तंगी है, उहदी तंगी फौरन ही दूर कर दिंदे, कोई ना कोई इहो जिहा प्रबंध कर दिंदे उहदी तंगी दूर कर दिंदे। और उदार जच है जिम कोई। जे कोई नगर दे विच गरीबड़ा कोई मंग करदा जी मैनूं आ वस्तु चाहीदी है, हट कर शूश न गमने ओ सोई। बाबा जी ने कदे खाली नहीं मुड़न दिता। साध संगत जी जे अपने पल्लियों दिता है तो वापस नहीं मंगया, ते जे साध संगत जी किसी दूजे नूं आग्या कर दिती है ना, किसी आंढी गुआंढी उहदे तगड़े नूं इहदी मदद कर दिओ, ते नाल इह भी कह दिता है कि वापस जे मंगने पए इहने अपने आप ना वापस कीते ते इको ना मंगी मेरे कोलों मंगण आ जाई, इहनूं ना तंग करी। ऐसा बाबा गुरदित्ता जी का सुभाव है। नह विकार मन शांत स्वरूप। बाबा जी दे मन दे विच कदे विकार नहीं, कदे कोई वासना नहीं, कदे कोई लालच नहीं, ऐन शांत स्वरूप है। किसी आपां दुनियादार लोग आ ना जदों मदद करदे ना किसी दी, ते साध संगत जी पहलां तां अपने मन दे विच एक हौमै आउंदी है भी मैं फलाने बंदे दी मदद कीती। तो इसे तरह साध संगत जी फिर उहदे कोलों असीं उस मदद का बदला चाहुंदे हां, ते जे वो बदला साडी इच्छा मुताबक ना मिले, कोई चाहेगा भी जिन्ने मैनूं पैसे दिते ने हुण ब्याज समेत मैनूं मोड़े, कोई चाहेगा भी मोड़ तां भावें जिन्ने दिते ने इन्ने ही दवे, पर लोकां दे विच दस के दवे, ऐन पता लगना चाहीदा है लोकां नूं भी हाँ मैं इहदी मदद कीती सी। कोई ऐसा हो सकता भी नहीं माया तो नहीं मैं मंगता मेरे को बथेरे ने, पर वो नाल कुछ इस तरह का हिसाब जिहा बना लैंदा है भी हुण इहनूं माया दे के मदद कीती, इहनूं मैं पक्का गुलाम बना लिया, जदों मैं तैनूं आवाज़ मारां भज्जा ही आवीं, जिहड़ा तैनूं कम कवां उधर भंबीरी वांगू ही आवीं, ते लोकां दे विच भी मैं दस्सां भी इह बंदा मेरे कर्ज दे बोझ थल्ले दबिया होया। तो बदला चाहुंदा हर बंदा किसी ना किसी रूप विच, पर बाबा जी वो परोपकारी ने, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, जदों किसी का भला करते हैं ना तो मालिक का शुक्र करके कहते हैं सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है तू मैनू अपनी देह ही अपने हाथ पैर सफल करने का मौका दिता। ते जे कदे लोकां दे विच ओह गल चली जाए तो वह शर्मिंदे हो जाते हैं कि साडी जिहड़ी ये गल है भला करन वाली ये लोकां विच किवें पहुँच गई। वो वड़ियाई नहीं इस गल की मनदे भी मैं मदद कीती है, वो इस गल की शर्मिंदगी मनदे ने भी ये गल लोकां विच किवें चल गई, नहीं जानी चाहिए। साध संगत आपां भी भला करदे आ ना ते आपां भी उहदा स्वार्थ रख लैने आ। कोई संस्था बना ली किसी चार लोगों ने रल के बीबियां ने, तो उन्होंने कहा भी आपां मदद करिया करनी है गरीबां दे विआहां ते, गरीब बच्चियां दे विआहां ते मदद करिया कर। एक तो समूहिक विआह वाला भी चलदा ना काम, कोई विरले एक अद्धे नूं छड्ड के ज़्यादातर लोग तां ठगी मारन दा तरीका ही बनाई बैठे ने, धंधा ही बनाई बैठे ने। तो उधरों गराइयां कर लिया, थोड़ी जी माया खर्च देनी। तो साध संगत जी, जिहड़ा समाज सेवक कुछ क समय दे विच विच ही वड्डियां वड्डियां गड्डियां ते वड्डे वड्डे बंगले ते वड्डा वड्डा सारा कुछ, तो उन्होंने पुछिए भी भाई बड़ी बरकत पई है तेरी कमाई विच जदों दा तू समाज सेवी बने आ। ठगी ठोरी, समाज सेवा दे भी यकीन नहीं रहन दिता लोगों का। तो वह कई माइया ने ना रल के अपनी वलों तो भी भला करना है आपां। तो लागे ही एक गली दे विच एक गरीब धी दा विआह सी, परिवार गरीब है। उन्होंने किसी ने दस पाई, उन्होंने बेनती की भी साडी धी दा विआह। उन्होंने कहा कि आओ असी तुहानूं लीड़ा कपड़ा बना दिन्ने आ। तो जदों दुकान ते गए लीड़ा कपड़ा उन्होंने खरीद के दिता। ते इन्ने चिर दे विच एक पत्रकार जी भी उत्थे पहुँच गए, तो फोन करके बुला लिया। तो जदों पत्रकार जी भी आ गए तो पत्रकार जी ने फिर वो फोटो खिंच लई। तो हुण पता लगा भी ये अगले दिन अखबार विच भी आवेगी। तो को परिवार दा सियाणा सी, उन्होंने सारे कपड़े जिहड़े सी ना फिर तकाला नूं ही वो संस्था वालियां बीबियां नूं कहा भी आ सारे लै लाओ, रख लो तुसी, इन सानू चाहिए। साडी इक्को बेनती है पत्रकार साहब नूं कह दो फोटो ना लाई अखबार च, ये धी विआही जाएगी, सौहरे जाएगी। किसी ने वो अखबार वेख लई, सारी उम्र ये सिर मेहना ही रहना है भी तेरे ते विआह ते लीड़े भी तो लोगों ने लैके दिते सन, सारी जिंदगी विचारी मेहने थले दबी जाए। ये चंगा तुसी भला लगे हो करन? तुसी ते उस बच्ची दे वाहेगुरु बख्श लवे। ज्ञानी मस्कीन जी कहंदे लोकी कपड़े दे के अगले नूं नंगा कर दिंदे ने, वाहेगुरु बख्श लवे। बारों बारों कपड़े दिते ने पर असल विच ओदी इज्जत तार तार कर दिती है। एक आदा भला होया भला? भले दा मतलब यह है भी किसी नूं कन्नो कन्न खबर ही ना होवे, पता ही ना लगे किन्ने की भला कीता है। वो जिवें कहंदे ने ना एक सज्जे हथ दिता तो खब्बे नूं भी खबर ना होवे। साध संगत जी, एवें किसी चप्पलों का जोड़ा दे के इंटरनेट ते पा ते दो चार आ वेखिया। करोना काल सी तो थैली विच राशन पाया होया 500 700 1000 1500 का 2000 का होएगा। तो दो कैमरामैन वीडियो बना रहे हैं, एक अगे पासे एक पिछले पासे। रहनी दो भाई, इदों चंगा तो वह भुखे रह लैन तो चंगा है। तो ये भला नहीं है, भला यह है जिहड़ा बाबा गुरदित्ता जी के बारे दसिया ना कि बाबा जी जे किसी कोलों किसी नूं धारा दवा दिंदे तां कहिंदे इहदे कोलों ना मंगी, जे लोड़ पई तो मेरे कोलों मंगी, आके इहनूं नहीं तंग करना, आपे दे दा तां ठीक है। किसी की मदद कर दे तां शुकराना कर दे, वाहेगुरू शुक्र है तेरा। ते जे लोकां च खबर जांदी तां शर्मिंदे हो जांदे कि बड़ी माड़ी गल होई है। महाशुशील प्रसन्न अनूप, बाबा गुरदित्ता जी महाशुशील हन, बहुत शुभ गुणों के मालक, धीरज धारी, कदे काले नहीं पैंदे, कदे कौड़ा नहीं बोलते, इस तरह का सुभाअ। ते फिर साध संगत जी उन्हां दा सुभाअ ऐसा सोहना भी है भी शीतल है, बड़े ठंडे रहिंदे। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त, ऐसा उन्हां दा सुभाअ है। सीलवंत ते सदा प्रसन्न रहिंदे, कदे भी मन उन्हां दा जिहड़ा खिजदा नहीं। ते मथे ते तीड़ी नहीं पैंदी, गुस्से विच नहीं आउंदे। श्री करतारपुरे रण ठानत, जदों करतारपुर साहब जी दा जंग होया ते जंग दे विच मैदान दे विच फिर निरभौ हो के गजे। अगर सबन ते होए रे पहानत, सब तो अगे हो के वैरियां दा नाश कीता जालमां दा। जोधा अदक बाण बड़ मारे, बहुत बड़े बड़े तगड़े मार दिते। सब तो वड्डा जेड़ा बाबा गुरदित्ता जी दे हत्थों उन्हां दा जरनैल उस्मान खां मारिया गया सी, पैंदे खां दा जवाई। अरे अगारी सो नर हारे, जेड़ा भी बाबा गुरदित्ता जी दे सामने आया ना, जां तां ओह मारिया गया जां फिर ओह भगौड़ा ही होया है जे बचया ते। कोई ये नहीं कह सकता मैं बाबा गुरदित्ता जी दे सामने होके लड़िया ते ज्योंदा बच गया। इत्यादिक गुण भन है सुनावहे, इस तरह गुण सुनाउंदे ने बाबा गुरदित्ता जी। महान योधे सूरबीर, महान परोपकारी, नाम बाणी दे रसिए, ऐसे हन बाबा गुरदित्ता जी सदा प्रसन्न रहन वाले, चढ़दी कला च रहन वाले। श्री सतगुर दे धीर बतावहे, सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब निवाज जी इस तरह धीरज दे के सारे नूं बख्शिशां नाल निवाज दे। हुक्म सत परमेशर कीरा, परमेशर दा वाहिगुरु दा हुक्म सत है, ओदे वाहिगुरु दे हुक्म दे अगे भाई कौन अड़िया है। कौन समर्थ दे तिस फेरा, कौन समर्थ है जेड़ा वाहिगुरु दे हुक्म दे अगे अड़ जाए। तिस सियों कैसा बोलना जे आपे जाने जान, जेड़ा वाहिगुरु जानी जान है ओदे अगे की बोल सकदा है कोई। जिहदा लिखिया होया हुक्मनामा कदे मुड़दा नहीं, ओदे अगे अड़िया जा सकदा है फिर। जिहदे हुक्म अगे वड्डे वड्डे सैनापतियां ने, तगड़ियां तगड़ियां जरनैलां सूरमियां ने भी तुर पैना है, ते जिहदे हुक्म दे अगे कोई नहीं अड़ सकदा, ओहदे अगे तां सीस ही निवाउणा चाहीदा। तिसियों कैसा बोलना जे आपे जाणै जान, चीरी जाकी ना फिरै साहिब सो परवान। जिन्ना चीरी चलना हाथ तिन्ना किछ नाहे, साहिब का फुरमान होए उठे कर लै पाहे। चीरी जाकी चलना मीर मलक सलार, जो तिस भावै नानका साई भलीकार। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवह नानका सदे उठी जाहे। धन सतगुरु जी ने इस तरह सिखा नूं उपदेश दिता। सबहिन के सिर भावी बली, ये जिहड़ी भावी है ना, होनी है। होनी का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है, होनी का मतलब जो होना है, जो हो के रहना है। भावी भी कह दिंदे ने, होनी भी कह दिंदे ने। साध संगत जी, ये हो के ही रहना, जो होना है वो हो के रहना है। इस गल नूं तां विगिआनियां दा भी एक वड्डा तबका है, वो मनदा। वो कहते भी जे मान लो आप कोई इहो जी मशीन बना भी लीए जिन्हों टाइम मशीन कहते हैं, तो उहदे नाल कोई समय की यात्रा कर भी लवे, तद भी भविख नूं बदलिया नहीं जा सकता। जो होना है वह हो के ही रहना, उहनूं बदलिया नहीं जा सकता। कोई कितना भी यत्न कर लवे। वो थ्यूरी ये कहती है भी जेड़े काम नूं आपां रोकण वास्ते भूतकाल विच जा के यतन करांगे भी फलाना काम इन्ने तरीक नूं होया सी, इह नहीं होण देना, ओह मगरों पता लगेगा भी मैं उस काम दे होण दा कारण बन गया हां। इवें इह थ्योरी है, इह ते बहुत बहुत कुछ लिखिया। नावल भी कई लिखे ने गोरियां ने। एक नावल लिखिया किसी ने कि समा यात्रा करके को मनुख किसी चीज़ नूं रोकण लई पहुँचया है, किसी मनुख की मौत नूं रोकण लई पहुँचया है कि फलाने बंदे नूं मरन नहीं देना। ते उहदा नतीजा की निकलिया, उहदी मौत का कारण वो खुद बन गया। बाद विच वो पछताउंदा, जे मैं ना जांदा फिर भावें वो बच जांदा, पर फिर भी वो किवें बच जांदा। वो तां इतिहास विच मरिया ही मरिया सी, पैराडॉक्स बन गया, बुझारत बन गई। तो भाव यह है कि जो होना है ये हो के ही रहना है, इनू कोई नहीं रोक सकता, इनू कोई नहीं बदल सकता। सिर धारत नित बुरी के भले, इनू नीयतीवाद कहते हैं फिलासफी दे विच, कहते नीयतीवाद। जो कुछ होना हो के रहना, सो कोई चंगा जाने कोई बुरा जाने, पर होना ही होना है। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਮਰ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਬਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ तो फिर की हुंदा, कहते इंसान पैदा ही नहीं सी होना। फिर साडे लिए पत्थर डिगा चंगा होया कि माड़ा, कहते अपने लिए तो फिर चंगा ही होया है ना, पर वो जेड़े मर गए सारे उन्हां लिए तो माड़ा ही होया है ना। भाव यह है ये जिहड़ी सृष्टि है ना सारी, इहदा निजम ही यह है भई पुराने जाणगे ते नवे आउणगे, वो जाणगे ते फिर नवे आउणगे। एक बड़ी प्यारी वार्ता लिखी भाई वीर सिंह जी ने। हवा वगी, उन्हें पुराने पत्तियां नूं तोड़ तोड़ सुटिया जिहड़े पिछले महीने लंघ के गए ने। जदों पतझड़ दा मौसम आउंदा उन्हें पत्ते तोड़ तोड़ सुटे। एक पत्ता है सुक रहा, टाणी नालों टुट रहा, वगदी हवा नूं पुकार के करके कहिंदा, ऐ जालमे टोटी जाना, मैं टोटी जाना है ना, दिहाड़ी होर रह लांगा ते तू धक्के मार मार क्यों तोड़दी है, आखिर टोटी तो जाना सी। उन्हें कहा मेरे ते क्यों गुस्सा करदा है, मेरा की कसूर कढ़दा है, ये तो जगत की रीत है, जे तेरे तो पहला वाले ना टुटदे ते तू नहीं सी आउणा, तू टुटेगा तो तेरे तो अगलियां दी वारी आएगी, गुस्सा ना कर, ये तां जगत दा मार्ग ही है। सो इस प्रकार सतगुरु जी समझा रहे हैं सिखां नूं। भाणा मन है हर खतर है, भाणा मन दे ने जेड़े ओ खुश रहिंदे हन, नहीं तरक प्रभ की देश का है, ओ वाहिगुरु वाल तरका नहीं करदे, हाय रब्बा तू बड़ा माड़ा कीता, इदां नहीं कहिंदे। इहो संतन को मत विचार, ए गुरमुखां रब दे प्यारियां दा उन्हां दे मत दा इही विचार है। ग्रहण करियो नीके ने निरतार, भली प्रकार दे नाल इनू ग्रहण करना चाहिदा है। इते आदक कह बाक गुसाई, इस तरह सतगुरां ने बड़े बचन समझाए हन। सबको धीर दीन हितवाई, सारियां नू धीरज दे दित्ती। इस प्रकार दे नाल सतगुरु जी धीरज दे रहे ने। अगों बाबा गुरदित्ता जी दे भोग दे मौके ते धीर मल जिहड़ा है वह कपटी है ते अगों की वरतिया वह कल नूं श्रवण करांगे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी। आओ अखीरले बचनां नूं सतगुरां दे चरनां दे विच दोहरा के खिमा दे जाच कोईए फतेह बुलाईए जी। इते आदक कह बाक गुसाई, सब को तीर दीन हितवाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।